इस वीडियो में आपको जूनियर इंजीनियर लेवल की एक वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें कि डिप्लोमा, बीबीटेक और आईटीआई तीनों वाले यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और इसमें अलग अलग ब्रांचेज है, फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के अंदर में आएगी। इसके तरफ से आपको नोटिफिकेशन अभी आउट की गई है। तो जो बेसिक कैंडिडेट हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, जरूर से इसको अप्लाई कीजिएगा। सभी कुछ मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताऊंगा। अभी जो है आचार संहिता लागू, तो वैकेंसी जो है बहुत लिमिटेशन कम, बहुत कम मात्रा में वैकेंसी आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है अभी। हालांकि आचार संहिता में वैकेंसी आ सकती है, एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, लेकिन जो है जो भी सारे गवर्नमेंट की बॉडीज होती है या कमीशंस होते हैं, सबका जो मैक्सिमम पावर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है जो आज इलेक्शन कमीशन है आचार संहिता के दौरान उनके पास चले जाते हैं। तो बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके कारण से बहुत सारी जो वैकेंसी आने वाली भी जो है वो भी अभी पोस्टपोन कर दी गई है, जो कि आचार संहिता की वजह से। आने वाले दिनों में जब आचार संहिता चुनाव जो खत्म होंगे उसके बाद से फिर से अच्छी खासी वैकेंसी, फिलहाल कुछ दिनों अभी वैकेंसी कम ही आपको देखने को मिलेंगी, फिर भी जो भी वैकेंसी आती है, जो भी मुझे पता चलती है, मैं आपको जरूर से बताता हूं। तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन होकर करिए, वहां पर भी आपको सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। देखिए टेस्ट बुक पर फिर से अभी सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है, सिलेक्शन रात्रि यहाँ पर 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में ये सेल यहाँ पर रहने वाली है। अभी जो है प्राइस काफ़ी यहाँ पर कम हो चुकी है, अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे PKO3PL तो आपको यहाँ पर जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्लिक करके जरूर से ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, कूपन कोड है PKO3PL। ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है इंस्टेंटली यहाँ पर कम हो जाएगा। आप पास प्रो या नॉर्मल पास जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिंड कमेंट में, या आपको हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर आपको, या व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, सभी जगह आपको ये ऑफर लिंक के नाम से आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में पहले से होगा तो आप ये कूपन कोड लगाइएगा PKO3PL, तो आपको जो है इंस्टेंटली प्राइस कम हो जाएंगे। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें पोस्ट का नाम, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह यहाँ पर दी गई है। तो अलग अलग यहाँ पर पोस्ट है जो यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए है, उसके बारे में आपको इस यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर जो है देख सकते हैं कुछ पोस्ट है यहाँ पर मेडिकल फील्ड की, कुछ पोस्ट है यहाँ पर आपको टेक्निकल फील्ड की। तो यहाँ पर जो टेक्निकल फील्ड की पोस्ट है इसका यहाँ पर पोस्ट का नाम है जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है, लेवल 4 की आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। इसमें दो है, एक सिस्टम्स में एक वर्कशॉप में, दोनों में अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन है। देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप बीटेक कर रखें इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस यहां पर नहीं मेंशन है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहां पर बिल्कुल एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और में करके दिया गया, अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा भी कर रखें कंप्यूटर साइंस में तो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विथ 3 ईयर रिलेवेंट फील्ड में आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज या रेपुटेड इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप कहीं पर काम किए तो लगा करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और में करके दिया गया, अगर आप आईटीआई कोर्स भी कर रखें उस केस में भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टम का। उसके बाद यहां पर आपको दिया गया जो वर्कशॉप में है, इसमें आपको यहां पर देख सकते हैं अगर आप बीबीटेक कर रखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी की वेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता रहे थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा कर रखें, बीबीटेक कर रखें या आईटीआई कर रखें यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं अगर आप बीबीटेक कर रखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और में करके दिया गया 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप कर रखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें विथ 3 ईयर रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज या रिपोर्टेड इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप काम किए हैं तो लगा करके अप्लाई कर सकते हैं। और में करके दिया गया, अगर आप आईटीआई कर रखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या वर्कशॉप डिसिप्लिन में इन फर्स्ट डिवीजन तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहां पर जो ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया, ऑल सभी स्टेट से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2024 है, 11/4/2024 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ये इसका लास्ट डेट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जो कि आप यहां पर डेट देख सकते हैं 11 अप्रैल 2024 शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एज और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो कट ऑफ डेट है वो भी 11/4/2024 यहां पर रखा गया है। अब बात करते हैं वैकेंसी कहां से आ रही है। तो ये वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति की तरफ से, IIT तिरुपति की तरफ से नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रही है, जिसमें जो है अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक पर यानी कि परमानेंट जॉब्स की ये नोटिफिकेशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल
इंपॉर्टेंस इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिक। तो ये जो है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे जरूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले सभी वैकेंसी की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बात करते हैं इसमें कितनी एप्लीकेशन फी आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पर जो है ग्रुप ए की जो पोस्ट होंगे उनके लिए 500, ग्रुप बी की जो भी पोस्ट होंगे उनके लिए 300 और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ पर 200 रुपये एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर पे करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऐसे कैंडिडेट्स जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट नीड टू पे एप्लीकेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। तो अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे, अलग अलग एप्लीकेशन फी भी आपको पे करने होंगे। इसके बाद बात करते हैं इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है इनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपकी ये होने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर आप मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है 11 अप्रैल 2024 अप टू 5 PM, तो शाम के 5 बजे तक ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। 11 अप्रैल 2024 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्लाई ऑनलाइन के नाम से। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर लीजिएगा जिसमें कि आपसे यहाँ पर नेम, उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म नेम, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, उसके बाद अगर आप क्या यहाँ पर फिजिकली हैंडीकेप्ड है PWD में अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं होंगे तो नो कीजिएगा, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस और उसके बाद इसको टिक चेकबॉक्स को चेक करके आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स आप डाले होंगे सभी डाल करके लॉगिन करके आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली सबमिट कर दीजिएगा। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, आई होप आप इसको समझोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन लिंक के नाम से होगा, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक के नाम से होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आई होप आप इसको समझोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। देखिए टेक्स्ट बुक पर फिर से अभी सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है। सिलेक्शन रात्रि यहाँ पर 7 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में ये सेल यहाँ पर रहने वाली है। अभी जो है प्राइस काफ़ी यहाँ पर कम हो चुकी है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे PKO3PL तो आपको यहाँ पर जो प्राइस है काफ़ी कम हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्लिक करके जरूर से ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा। कूपन कोड है PKO3PL, ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपका जो प्राइस है इंस्टेंटली यहाँ पर कम हो जाएगा। आप पास प्रो या नॉर्मल पास जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में या आपको हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर आपको या व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल सभी जगह आपको ये ऑफर लिंक के नाम से आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके फोन में पहले से होगा तो आप ये कूपन कोड लगाइएगा PKO3PL तो आपको जो है इंस्टेंटली प्राइस कम हो जाएंगे।